हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की आराधना की जाती है, जिसमें मंगलवार का दिन श्री राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार के दिन बजरंग बली के भक्त अपने आराध्य की विशेष पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। हनुमान चालीसा की ये 40 पंक्तियाँ हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि श्री राम भक्त हनुमान को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ विधि पूर्वक करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी आज तक हनुमान चालीसा का पाठ इस विधि के विपरीत करते आए हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र पहन लें। अपना मुंह पूर्व दिशा में या दक्षिण दिशा में रखकर लाल आसन पर बैठें। हनुमान जी की फोटो को पूर्व या दक्षिण दिशा में लाल वस्त्र बिछाकर रखें। गाय के घी या तिल के तेल का दिया जलाएं और एक लोटे में जल भरकर रखें और हनुमान जी के सामने 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड़ या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं। ऐसा लगातार 11 मंगलवार करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं कि हनुमान चालीसा के पाठ को करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर ही करें। उस दिन शराब और मांस मदिरा से दूर रहें, साथ ही हनुमान जी के प्रति मन में पूरी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें, क्योंकि हनुमान जी को युद्ध में कभी कोई मात ना दे सका। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा पूर्वक करके कोई भी व्यक्ति हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही वजह है कि हनुमान चालीसा का पूजा पाठ में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है।